बारिश का मौसम है और ऐसे में खाने को मिल जाए अगर गर्मा गर्म पालक के और प्याज वाले भजिए तो मज़ा ही कुछ और है। तो देखने में लग रहे हैं ना ये एकदम परफेक्ट और टेम्पटिंग। आज मैं आपके साथ में भजिए की जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उससे अगर आप भजिया बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ऑफकोर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और बेल आइकन में भी आप ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि तभी आप तक मेरी सारी नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो यहाँ पर भजिया बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। और भजिया क्रिस्प बने इसके लिए सबसे पहली हमारी टिप ये है कि हम 1 कप बेसन में मिलाएंगे 1 टेबलस्पून चावल का आटा। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालें, साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हमें लाल मिर्च पाउडर डालना है। और इसके बाद में मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ अजवाइन। अजवाइन की क्वांटिटी होगी 1/2 टीस्पून। अजवाइन को हमें हथेलियों के बीच में क्रश करके डालना है, इससे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और भजियों का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। और अब यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका एक थिक बैटर तैयार करना है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, उसके 2 फायदे होंगे। एक तो बैटर आपका पतला नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने एकदम से ज़्यादा पानी डाल दिया तो इसका बैटर पतला हो जाए। साथ ही बेसन के अंदर अगर आपने एकदम ज़्यादा पानी डाला तो हो सकता है कि बेसन की कुछ गांठें रह जाएँ, जो कि हमें बिल्कुल भी भजिया बनाते हुए नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारा जो बैटर एकदम स्मूथ रहे इसके लिए ये ज़रूरी है कि पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें। अक्सर लोग पकौड़ी या भजिया बनाते हुए यही गलती करते हैं कि बेसन में बहुत ज़्यादा पानी एक बार में डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है वो स्मूथ हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। जी हाँ, इसकी वजह से हमारे भजिया बहुत ही बढ़िया बनने वाले हैं। और साथ ही मैं इस बैटर में ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा गर्म रिफाइंड ऑयल। तेल को हमें सोडे के ऊपर ही डालना है। और अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च, साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया जिसकी क्वांटिटी है लगभग 1/2 कप। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ आलू बारीक कटा हुआ और साथ में ऐड करूँगी प्याज। प्याज के मैंने स्लाइसेस काट के रखे हुए हैं। प्याज को मैंने बीच में से आधा कर दिया था और उसके बाद में इसके थिक स्लाइसेस काट लिए हैं। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप कटा हुआ पालक। पालक अच्छे से धोने के बाद में हम उसे सुखा लेंगे और उसे फिर काट लेंगे। बहुत ज़्यादा गीले पालक का यूज़ ना करें क्योंकि उससे बैटर हमारा पतला हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे। प्याज और आलू दोनों ही चीज़ों की क्वांटिटी इक्वल थी और इनकी क्वांटिटी थी 3/4 कप। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। नमक हमने थोड़ा पहले भी डाला था, इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकते हैं और अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर भजिया बनाते हुए लहसुन का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो लहसुन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो इन्हें फ्राई करने के लिए हमें मीडियम गर्म तेल की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है और अगर आप चाहें तो किसी नॉनस्टिक या फिर और किसी बर्तन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें भजिए तेल के अंदर तोड़ने हैं। इनको हमें इवन नहीं रखना है, ये थोड़े अनइवन शेप के ही होते हैं और ये तभी खाने में अच्छे लगते हैं। अगर आप इन्हें हाथों से गोल गोल करके डालेंगे तो ये खाने में बढ़िया नहीं लगेंगे। तो इसी तरह से आप इन्हें टेढ़ा मेढ़ा डालते जाइए, भाई डालने में भी आसान है और खाने में तो ये मज़ेदार बनने ही वाले हैं। तो यहाँ तेल में मैंने भजिए डाल दिए हैं और तेल में हम इसी तरह से इन्हें 2 से 3 मिनट तक सिकने देंगे क्योंकि अभी इनकी ऊपर की लेयर थोड़ी कच्ची है। और जब इनकी ऊपर की लेयर थोड़ी पक जाएगी तो ये इस तरह के दिखाई देंगे और उसके बाद ही हम इन्हें करछी से पलटेंगे। तो करछी से अच्छे से हिलाते हुए हमें इन्हें चारों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ठीक इसी पॉइंट पर हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। अगर आप भजियों को बाद में फ्राई करना चाहते हैं तो आप इन्हें थोड़ा सा फ्राई करके पहले अलग निकाल लें और वापस से इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं जब भी आपको इन्हें सर्व करना हो। तो फिलहाल हमारे तो भजिए बनकर एकदम तैयार हैं और ये देखिए, ये देखने में भी कितने बढ़िया लग रहे हैं और इनका कितना सुंदर कलर आया है। पालक की वजह से और धनिया की वजह से ये देखने में इतने बढ़िया लग रहे हैं। और ये देखिए, अंदर से ये जूसी हैं, ऊपर की जो लेयर है वो एकदम क्रिस्पी है, यानी ये एकदम परफेक्ट भजिया बने हैं। तो भाई अब जब भी बारिश होना तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी मॉनसून टू ऑल ऑफ़ यू।